नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूँ सुरसंगम में। दोस्तों आज हम सीख रहे हैं फिल्म चितचोर का बहुत ही लोकप्रिय गाना, जब दीप जले आना जब शाम ढले आना। दोस्तों अगर इसमें मैं सुरों की बात करता हूँ तो ये जो गाना है बेस्ड है राग यमन कल्याण पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राग यमन में हम माँ तीव्र का यूज करते हैं। अगर माँ तीव्र के साथ में हम माँ शुद्ध का भी यूज करें तो यह राग यमन कल्याण हो जाता है। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो दिया है और हाल ही में मैंने राग यमन का दो तानों का एक वीडियो दिया है। मेरी आपसे गुजारिश है कि उन दो तानों को आप घोट के पी जाएं। अगर आप उनको तैयार नहीं करेंगे तो अगला जो वीडियो जिसमें 4-5 तानों का कॉम्बिनेशन रहेगा वो आएगा तो आपको तकलीफ हो सकती है। इसलिए कि आपको तकलीफ ना हो तो मेरी आपसे फिर से गुजारिश है कि आप उसको घुट्टी बनाएं और पी जाएं। चलिए दोस्तों मध्य सप्तक की पहली काली यानी सी शार्प से हम सबसे पहले राग यमन का प्रारूप को समझते हैं, उसके पकड़ को मुख्य अंग को समझते हैं क्या है। नीरे गा अगर हम इसके पकड़ को समझें या मैं कहूं कि मुख्य जो अंग है जिसका यूज होता है उसको समझें तो सबसे पहले देखिए नी रे गा, अगला मा रे गा, अगला पा रे सा। तो इसमें जो हमने देखा मा रे पा रे, ये मींड का यूज हुआ है, ठीक है। तो ये इसके अंदर बहुत सारा बहुत ही अच्छा पैटर्न है जिसकी वजह से इसका जो मिठास है वो बढ़ जाता है। इसमें आप चाहें तो ये भी हो सकता है पा रे गा रे नी रे सा, इस प्रकार का पैटर्न भी होगा। तो चलिए दोस्तों जब दीप जले आना, इसके सबसे पहले हम अस्थाई को समझते हैं। जब दीप जले आना जब श्याम ढले आना, पहला पैटर्न। इसमें आप थोड़ा सा जो वेरिएशन है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। नी रे गा पा रे सा नी रे, नी रे गा मा पा रे सा नी सा, समझे। तो यहाँ पर जब दीप नी रे गा पा, और इसी को हम बोलेंगे दीप को, तो देखिए हम माँ का यूज करेंगे तो जब दी जब दीप जले आना जब श्याम ढले आना। एग्जैक्ट हरकत लाने के लिए धीरे धीरे आप गामा पा का यूज करें। जब फ्लो में बजाएंगे तो गापा भी चलता है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमारी पहली लाइन होती है और उसके बाद में अगली लाइन शुरुआत होगी पासे हो संकेत मिलने का भूल न जाना मेरा प्यार ना बिसरा। फिर वही
हमने थोड़ा सा जो हमने पारे सा किया था, पारे गारे सा किया है अगली बार में, ठीक है, वो आप आगे देखिएगा। तो दूसरी लाइन को समझिए, संकेत मिलन का पापा माधानी, पापा माधानी, देखना कि पा से मा पे आया फिर धानी किया है मैंने, वही नियम इसमें काम कर रहा है। संकेत मिलन का भूले ना जाना, भूले ना जाना, माधा सानी धापा मेरा प्यार ना, पापा मारेगा मेरा प्यार ना, बीस बीस राना निरे गामा पामा गरिसानी आ गरिसानी आ। संकेत मिलन ओ संकेत मिलन का भूले ना जाना मेरा प्यार ना विसराना गरिसानी। जब दीप जले आना, जब श्याम ढले आना, ये इसका अस्थाई कंप्लीट होता है। अंतरा की बात करते हैं, अंतरा, अंतरे की जो शुरुआत है पासे होती है, लेकिन आप देखेंगे इसमें सा और गा का जो कर्ण है या मैं कहूं हेल्प है, बहुत ही लाजवाब बनता है वेरिएशन में। हो मैं पलकन डगरे बुहारूंगा तेरी राह निहारूंगा, और फिर जब रिपीट होगा, मैं पलकन डगर बुहारूंगा तेरी राह निहारूंगा, मेरी प्रीत का काजल तुम्हें आपने नैनों में मले आ। बस फिर वही, तो देखिए इसमें एग्जैक्टली क्या हुआ है। मैं पलकन पापा मादा पमगा निहारूंगा, मादा सा सा सा, ये बात यहां तक समझ में आई। उसके बाद में जब हम इसी चीज को रिपीट करेंगे तो सा और गा का कर्ण देखो किस प्रकार से है। मैं पलकन डगर, मैं पलकन डगरे पापा मादा पामा सागा मादा सा सा सा, वही चीज है, बस सा और गा को यूज किया है। वापस देखिए स्लोली। हो जहां पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम, जहां पहली वापस आ, जहां पहली बार मिले जिस जगह से संग चले थे हम, नदियां के किनारे नदियां पासा
नदिया के किनारे आज उसी मदसा निधापा आज उसी अम्बुआ के मामा रे अम्बु अम्बुआ के पापा मामा रे अम्बुआ के तले तले आना। ये वही पैटर्न हो गया जो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। चलिए एक बार वापस से मैं जो अंतरा है सेकंड वाली उसको रिपीट कर देता हूं, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जहां पहली बार पापा मादा पामा सागा मादा सा 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 ऐसा पैटर्न है। जहां पहली बार मिले थे हम जिस जगह से संग रेखा कण है जिस जगह से संग चले थे हम नदिया के किनारे आज उसी अम्बुआ के तले आना। जब दीप जले आना जब शाम ढले इसमें एक म्यूजिक और चलता है, आप चाहें तो उसको लिख लेना, मैं स्लोली बोलता हूं। नी रेगा रेगा मगरे सासानी पापा मारेगा सानी सागा पामा पा। इसको आप लिख लीजिएगा और जैसा है वैसे आपको याद करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है, सरगम है नी रेगा रेगा मागा मागा रे सासानी। वापस देखिए नी रेगा रेगा मागा रे सासानी पापा मारेगा सानी सागा पामा पा। तो दोस्तों तैयार करें सरगम सॉन्ग और हंसते रहें मुस्कुराते रहें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।